जीवित शरीर की महत्व कम और मृत शरीर की महत्व अधिक, ऐसा क्यों? सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूबकर मृत हो जाए तो 10 दिन से 1 महीने के भीतर सरकार मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देती है। लेकिन अगर कोई परिवार बाढ़ के प्रकोप से बेघर हो चुका हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे पेट की भूख की जलन से तड़प रहे हो, बीमारी और लाचारी से ग्रस्त हो, सरकारी लाभ की आवश्यकता पड़ जाए तो सरकारी लाभ नहीं मिलता। सरकारी लाभ प्राप्त करने हेतु दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है। दौड़ने वाला व्यक्ति थक कर हार कर अपने पीड़ा में घुट घुट कर जीता है, लेकिन सरकारी लाभ नहीं मिलता। तो पता ये चला, इंसान की जीवित शरीर का महत्व कम है और मृत शरीर का महत्व अधिक। मृत व्यक्ति की जांच के लिए पदाधिकारी महोदय झट से पहुंच जाते हैं, लेकिन जीवित शरीर अगर बाढ़ जैसी संकट में फंसी हो तो कोई भी पदाधिकारी महोदय जांच एवं सरकारी लाभ दिलाने के लिए नहीं आते। ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न भारत के सभी नागरिकों से, ऐसा क्यों असहाय परिवारों को 100 रुपए का सरकारी लाभ नहीं मिलता, लेकिन मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए आसानी से लाभ मिल जाता है? आइए आपको हम दिखाते हैं वीडियो क्लिप। सिटी न्यूज की टीम ने भी पूरे पंचायत का जायजा लिया। बुरी तरीके से जो है बाढ़ प्रभावित है और अभी तक कोई भी सरकारी अमला यहाँ तक सर्वे करने नहीं आया और इन्होंने कई बार गुहार लगाया। हमारे सामने भी जो है यहाँ के सीईओ से इन्होंने बात किया और आग्रह किया कि हमारे पंचायत को आकर के इसको देखिए और जनता तराहिमाम में है, इसकी कुछ सुध लीजिए। लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। अपने स्तर से ये जो भी होता है प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। बाकी जो समस्या है वो खुद इनसे जानते हैं। बताया जाए क्या क्या समस्या है। मैं नरेश राम, पूर्व मुखिया कोयरिया नियामत का हूँ। जो डूबा हुआ है, मैंने बार बार सीओ साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो अपना स्तर से हो, जो सरकारी मिलता हो उसको जनता के बीच वितरण किया जाए, मदद किया जाए। मगर अभी तक ले जो है सीओ साहब टाल मटोल कर रहे हैं। मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करूँ। जब मैं कुछ अपने स्तर से सोचता हूँ या कुछ जनता को जुटाने का काम कहता हूँ कि हाँ चलें हम लोग, फिर भी सीओ साहब जो है आचार संहिता का उल्लंघन का चेतावनी देके बर्बाद धर्म का के अभी तक ले रखे हुए हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम आप सब मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ा अपने स्तर से भी यह बात सीओ साहब के कान तक पहुँचाए, ताकि वो जनता के बीच आके कुछ वितरण करावे, कुछ राहत दिलवाए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सबों से। और कितने दिनों से ये पानी की समस्या है? लगभग महीना पार कर गया। जान माल की हानि भी है? नहीं, अभी तो लोग पानी के घेरे में हैं जो कि जूझ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कहीं से इंती हुआ है कि हाँ कहीं कुछ अप्रिय घटना। जल जनित तो बीमारी है, स्किन का पानी हिलने से सब हो रहा है, देखने को तो चल रहा है। वो तो बहुत बच्चे, बहुत जनता को परेशानी है। वो तो यहाँ के जनता त्राही माम है, वही लोग जान रहा है, साथ साथ हम लोग तो झेलिए रहे हैं। सिटी न्यूज की टीम जायजा लेने के बाद यहाँ के सीईओ को आग्रह करती है कि एक बार जरूर आकर के मानवता के नाते इस क्षेत्र का जायजा ले और जनता बुरी तरीके से परेशान है, इनकी समस्या को दूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ टुडे।